हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सरला क्लासेस। आज मैंने ये वीडियो न्यू कमर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है क्योंकि उनको बहुत सारी समस्याएं होती है और एक समस्या उनकी ये भी होती है कि हमें एम्पुल तोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर जब हम एम्पुल तोड़ते हैं तो उससे हमें भी चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल एरिया में इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा चांस बन जाता है। तो इसी चीज से निपटने के लिए या फिर इसी चीज से इसको बहुत सावधानी पूर्वक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उन न्यू कमर या फिर जिनको एम्पुल तोड़ना नहीं आता है उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम न्यू कमर के लिए ये एम्पुल तोड़ना आप लोगों को आज बता रहे हैं, तो इसमें ये टिटनस टॉक्साइड का वैक्सीन है जो जिसको टीटी नॉर्मल कहा जाता है। इसके बारे में और मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि इसका एक्शन क्या है, इसको कब कब यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी इसको कैसे तोड़ना है तो सबसे पहले हैंड वॉश कीजिए, अपना हैंड वॉश करके आइए। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले ये जो आपको मार्किंग दिखाई दे रहा होगा, ये मार्किंग रेड कलर की मार्किंग आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए नॉर्मली। तो इस मार्किंग के पास हमको क्या करना है, ये स्प्रिट कॉटन से आपको इस मार्किंग को वाइप कर लेना है ताकि कुछ भी इन्फेक्शन यहाँ पास में ना हो। इसको वाइप कर लीजिए, वाइप करने के बाद इसको रख दीजिए। उसके बाद दो बार इसको टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपको अपना गॉज पीस लेना है, गॉज पीस लीजिए। गॉज पीस को इसके चारों तरफ ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है, इसको कवर कर दीजिए ताकि जो भी इसके अगर पार्टिकल्स निकलते हैं या इधर उधर बिखरते हैं वो आपके हाथों को नुकसान ना पहुंचाए। देन इसको ऐसे घुमाते हुए करना है, तो इसको जस्ट जैसे ढक्कन ओपन करते हैं उस तरीके से इसको ओपन करना है। थोड़ा प्रेशर आपको देना पड़ेगा, तो इसको फिर दबाते हुए आपको तोड़ लेना है। एक टैप की आवाज़ आई होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन एम्पुल, ओके, दिख रहा होगा ये एम्पुल आपका ओपन हो गया और इसके पार्टिकल्स भी हाथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो इसी तरीके से आपको ये फॉलो करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई इंजुरी आपके हाथों में ना हो। देखिए मेरे हाथों में कोई इंजुरी नहीं है, किसी भी तरह का ब्लीडिंग या कुछ भी नहीं हुआ, जो भी है इस गॉज पीस में चले गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीस, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे ये इसमें चले गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी जानकारियों के लिए मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।